दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल हमने आपको लाइव दिखाया था, तिगांव में कई मकान तोड़े गए थे। अभी एक मकान जिनका तोड़ा गया है, वो भाई साहब डीटीपी ऑफिस पहुँचे हैं ऑर्डर की कॉपी देखने के लिए। ये कह रहे हैं यहाँ के जो जेई हैं और जो भी अफसर हैं उनसे कह रहे हैं, आप ऑर्डर तो दिखाइए जिस ऑर्डर में लिखा गया है कि इनका मकान तोड़ दो। तो सबसे पहले हम आपको मकान दिखाएंगे। कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आइए, ये मकान तोड़ा गया था, ये देखिए। कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक से जूम करके ये मकान दिखाइए और हम वीडियो भी चला देते हैं, ये देखिए। ये मकान तोड़ा गया, ये देखिए, दिखाओ थोड़ा सा, ये देखिए। कल मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये मकान तोड़ा गया है। ये मकान आपने देख लिया होगा, दिख रहा है कैमरामैन। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा था और मकान तोड़ा गया था। ये देखिए, बड़ा सा मकान है और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा था और इनका बड़ा सा मकान तोड़ दिया गया। अभी शिवजी लाल पुत्र प्रवीण कुमार मेंबर, ये प्रवीण कुमार जी हैं, इनका मकान तोड़ा गया था, अभी डीटीपी ऑफिस पहुँचे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं तिगांव थाना पट्टी से मेंबर हूँ। कल आप जब मेरा मकान टूटा जा रहा था तो आप भी मीडिया यहाँ पे आई थी सहयोग करने के लिए, हमारा काफी लोग भी आए थे, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। मैंने कल भी आप लोगों से ये कहा था, मैंने पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कल बार बार कि मुझे मेरी ऑर्डर कॉपी दिखा दीजिए। सर मेरे पास कोई ऑर्डर कॉपी नहीं है, मेरे पास अगर ऑर्डर कॉपी है तो मेरे मकान को तोड़ दीजिए, जो मुझ पर पेनल्टी भी लगती है मैं पेनल्टी देने के लिए तैयार हूँ, एक बार मुझे मेरा ऑर्डर तो दिखा दीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट से, मैंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बोला, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे मकान को तोड़ दीजिए, लेकिन मुझे सर्टिफिकेशन के लिए मेरी कॉपी तो दिखा दीजिए, मुझे ऑर्डर कॉपी तो दिखा दीजिए। मैंने कल भी बताया था कि 31 दस 2022 को पहली बार जब मेरे मकान का काम चल रहा था, जब मेरा मकान डीपीसी तक तो ये लोग आए थे और वहां पे एक सो कोस नोटिस होता है पहला, ये सो कोस नोटिस चिपकाया था हमारे सामने ही, चिपकाया था सो कोस नोटिस 31 दस 2022 को। 31 दस 2022 को सो कोस नोटिस चिपकाने के बाद ये टीम यहां पे आ गई, इसके बाद हमें कोई नोटिस नहीं मिला। जबकि आज इस ऑफिस में आए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर का ऑफिस है, इस ऑफिस में आए थे। ऑफिस दिखाओ, ये एक मिनट, ये ऑफिस है, देखिए डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर डीटीपी बोलते हैं, इन्फोर्समेंट फरीदाबाद, जो तोड़ फोड़ करते हैं ये इन्हीं के अंडर में आता है। और जितनी भी इलीगल कॉलोनीज होती हैं, जो भी बगैर नक्शे के बगैर अप्रूवल के मकान होते हैं, उनमें कार्रवाई करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो भैया आप तिगांव के रहने वाले हैं कहीं बांग्लादेश? मैं तिगांव का ही रहने वाला हूँ, हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ रहती हैं हम तिगांव के ही बसपति हैं, हम सब यहीं रहते हैं। अच्छा। लेकिन ये पहली बार हमने देखा है तिगांव के अंदर कि ऐसा हुआ है। ये नोटिस लगा, नोटिस लगने के बाद जब हमारा काम लेंटर पे पहुंच गया, ये गवर्नमेंट का रूल होता है कि हम एक इनको ऑर्डर देंगे, आरओ जाता है, आरओ एक चिस्पा करता है उस बिल्डिंग पे कि इस बिल्डिंग को, पहले तो ये बिल्डिंग इतनी बनी हुई थी जब सो कोस दिया था, लेकिन आज जब हम आरओ दे रहे हैं तो आज ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से उठकर इतनी बड़ी बन गई है, इसलिए फिर ये आरओ देकर उस बिल्डिंग को नोटिस देके तोड़ते हैं। हमारे पास कोई आरओ नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, सीधा सो कोस के बाद बिल्डिंग तोड़ दी गई। मेरी ये, मैं इस प्रशासन से, मुझे दुख नहीं है मेरी बिल्डिंग टूट गई, मैं इस प्रशासन से ये चाहता हूं कि भाई प्रशासन वालों अपना काम ठीक तरह से तो करो। जैसे आपने चिस्पा मेरा यहां पे सो कोस किया, मेरा आरओ भी तो मेरा वो करते, मेरा आरओ यहां पे सो करते, मेरा नोटिस सो करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे पता नहीं चला। मैंने कल भी बताया था कि मेरे पिताजी एडमिट है 1 तारीख से, मैं हम उन कामों में लगे हुए हैं, पंचायत के इलेक्शन चल रहे थे। पिताजी कहाँ हैं आपके? मेरे मेट्रो हॉस्पिटल में 1 तारीख से, आज 8 तारीख हो गई है, 9 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और 2-3 दिन पहले मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए, मेरी मम्मी वहां पे हुई है, हम प्रॉब्लम में चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहा था, सारे वहां पे बिजी थे, हम किसी कारणवश इनको जवाब नहीं दे पाए। तो क्या प्रशासन इतनी जल्दी कार्रवाई कर देता है? 1 महीने 7 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने 7 दिन के अंदर अंदर पहले नोटिस, पहले सो कोस से लेके बिल्डिंग को ही ध्वस्त कर दिया। आज कल जब मैंने इनसे नोटिस के बारे में मांगा तो इन्होंने कहा मेरे ऑफिस में आ जाना। आज मैं सुबह इस ऑफिस में जब आया तो मैं सुबह 10:30 बजे इस ऑफिस में आया तो यहाँ पे मुझे विकास यादव जी, जो असिस्टेंट टाउन प्लानर हैं, विकास यादव जी हैं यहाँ पे, मेरी उनसे बात हुई कि मैंने सर कल मेरे तिगांव के अंदर मेरे घर को तोड़ा गया, ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आपको नोटिस दिया होगा, कभी भी गवर्नमेंट के अंदर ऐसा होता नहीं है। विकास यादव जी ने मुझे सर्टिफिकेशन दिया सुबह कि टेंशन मत लो, ऑर्डर जरूर होगा,
और 100% चिस्पा हुआ होगा, ऐसे हम कभी काम ही नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मुझे वो ऑर्डर दिखा दीजिए। उन्होंने यहाँ पे जेई हैं ओम प्रकाश राघव जी, जेई का यहाँ पे जो कल उसके टीम लीडर भी थे, मैं उन्होंने उनसे बात करी, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 1 बजे आ जाना, 1 बजे हम आपको जो भी डाटा होगा दे देंगे। मैं 1 बजे तक हम यहाँ पे नीचे ही डोलते रहे। मैंने 1 बजे जेई साहब राघव जी को फोन करा, मन की जेई साहब हम नीचे ही हैं, आप कहाँ हो? उन्होंने कहा नहीं मैं तो 4 बजे आऊंगा, मुझे तो कोई काम पड़ गया, मैं तो वहाँ पे हूँ। मन की जेई साहब सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं तिगाम से प्रवीण कुमार आया हूँ और ऐसे ऐसे कहानी है, मैं अपना नोटिस देखने के लिए आया हूँ। इन्होंने 4 बजे के लिए बोल दिया, मैं 4 बजे आया, 4:15 बजे मुझे जेई साहब मिलते हैं, हमारी यहाँ पे बात हुई। जेई साहब ने मुझे बैठाया, वो बोले जी यहाँ पे आपके किला के अंदर, आपके किला के अंदर 12 लोगों पे नोट हम चिस्पा करके आए थे 100 कोस। मन की बिल्कुल ठीक है जी, 12 लोगों के हमारे पास चिस्पा में उसमें सारा संबोधन लिखा हुआ है, 12 लोगों के नाम है उसके अंदर, तो मन की मेरा ही मकान क्यों तोड़ा? उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपका मकान टूट गया है, आप 11 बंदों के मकान आपके बचे पड़े हैं, आप यहाँ पे कल एक फाइल लगा दो और मैं आपकी फाइल फ्री में कर दूंगा, टेंशन मतलब मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, आप इस काम को कर लो। मैंने कहा जी मुझे इन बातों में मत बहलाओ, मेरा जो मकान टूटा है मुझे उसका सर्टिफिकेशन दीजिए, मुझे उसकी नोटिस की कॉपी दीजिए। इन्होंने काफी फाइलें सर्च करी, मुझे दिखाई, मन की जी ये ठीक है, ये उस दिन की है 100 कोस की, इसके बाद दिखाओ, कोई फाइल ही नहीं इनके पास फाइल ही नहीं है। इन्होंने काफी वो कर लिया। मैंने फिर मीडिया को धर्मेंद्र प्रताप जी को फोन करा, मैंने धर्मेंद्र प्रताप जी आप यहाँ पे आइए, मुझे कोई डाटा नहीं दिखा रहा, यहाँ पे डाटा ही नहीं है। फिर इन्होंने असिस्टेंट यादव जी है जो, उनके केबिन में चले गए, मैंने कहा यादव साहब इनके पास तो नोटिस नहीं है, सुबह आपसे बात हुई थी कि ये तो नोटिस रखते हैं, नोटिस नहीं है इनके पास, तो ये तो जबरदस्ती मकान तोड़ दिया। जेई साहब राघव साहब ने मुझसे ये बोला कि प्रवीण कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फाइल मैं पास करा दूंगा, आपकी कॉलोनी को पास करा दूंगा, आप छोड़िए इस बात को, मतलब कि मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है, आप मेरी कार्रवाई करिए। मुझसे बोलते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ऊपर दबाव था, हम यहाँ पे जो NDA जो ड्रग्स का काम करती है उसके चक्कर में CIA का ये प्रेशर था हमारे ऊपर कि उसका मकान तोड़ना है, हम गए थे, इस चक्कर में आपका मकान लपेटे में आ गया, चना की गैल घुन पिस गया। ये वर्ड थे इनके गवर्नमेंट ऑफिसर जो जेई साहब है वो मुझसे कहते हैं कि चना के गैल घन पिस गया। मन की भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, जेई साहब इन बातों को कर रहे हैं आप, मुझे मेरा डाटा दिखाइए। फिर लास्ट में जब इनके पास डाटा ही नहीं है तो इन्होंने कह दिया कि आप RTI से डाटा ले लेना, हम देंगे। मन की जेई साहब डाटा बनाओगे क्या, मुझे वो डाटा चाहिए जैसे आपने 100 कोस चिस्पा किया, मेरा नोटिस भी मेरी बिल्डिंग पे चिस्पा होना चाहिए कि मेरी बिल्डिंग कहाँ बन गई है जब मेरी बिल्डिंग टूटनी चाहिए। तो भाइयों मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे ये न्यूज़ आपकी खट्टर सरकार तक पहुँचे, मोदी जी तक पहुँचे, किसी भी प्रशासन पहुँचे, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से यही प्रार्थना, भाई मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ सही होता तो मुझे टेंशन नहीं थी, ठीक है जो मैं गलत करता हूँ तो गलत की मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, मैंने गलत नहीं किया, मैं सच के साथ हूं, मैं सच का साथ देता हूं, मैं समाज सेवी आदमी हूं, लेकिन आज मेरे साथ ही गलत हो गया तो मैं समाज की सेवा कैसे करूंगा। तो मेरी भाइयों ये बात है आपके चैनल के माध्यम से, खट्टर सरकार से मैं आगे भी जाऊंगा, चाहे मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़े, मुझे अनिल विज जी का सहारा लेना पड़े, मुझे खट्टर सरकार का सहारा, कहीं भी जाऊंगा भाई, लेकिन मैं इस काम को आसानी से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अभी मेरे गांव में इलेक्शन हुए हैं, मुझे लगता है ये शायद किसी इलेक्शन का दबाव है जो मेरे ही घर को तोड़ा है। 12 लोगों के नोटिस थे, 12 लोगों में केवल मेरा प्रवीण का ही मकान टूटा है। भाई 11 लोगों के मकान क्यों नहीं तोड़ के आए आप, सभी के मकान तोड़ जाते, मुझे ये तो होता, हम ये सरकार ने बहुत काम ईमानदारी से करा है, 12 के 12 मकान तोड़ जाए, नहीं मेरा केवल मेरा मकान और 2 मकान और केवल बीच में जिन लोगों की बढ़िया बिल्डिंगें बनी हुई थी उनको छोड़ के आ गए। भाई ये कहाँ का प्रशासन है, हम तो वैसे ही प्रशासनों से बहुत दुखी थे कि मन के प्रशासनों में ये काम रिश्वतखोरी से होते हैं, वो होते हैं, मोदी जी के हम भागते हैं बहुत तगड़े, मोदी जी की हम बाय बाय करते हैं कि अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन अच्छा काम नहीं, हमारे साथ बहुत बुरा काम हुआ है। तो धर्मेंद्र प्रताप जी आपकी न्यूज के माध्यम से हमें, हम आश्वासन करते हैं कि हम ये आश्वासन चाहते हैं कि हमें कैसे न्याय दिलवा दो, हम आपका बहुत गुणगान करेंगे। नहीं तो आपका कितना का नुकसान हो गया भाई साहब? 250 गज में मेरा मकान बन रहा है, सारे मिस्त्रियों को पूछ लो, मैं कहने लगा मेरा 50 लाख का हुआ, 60 लाख का हुआ, मेरा कोई 50-60 लाख का नुकसान नहीं हुआ। आप इनके खिलाफ जाओगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा जो रिलीफ, और वो हर जाने के लिए बोलेंगे इनको तो ये हर जाना देंगे। बिल्कुल, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा जी, जहाँ तक मुझ पर जाया जाएगा मैं बिल्कुल जाऊंगा, मेरा जो पैसा लगा मैं तो उसमें ही राजी हूँ, मुझे किसी का एक पैसा आराम करना चाहिए, इन लोगों ने चाहे रिश्वत लिया हो कुछ भी लिया हो वो इनके साथ है, लेकिन मैं तो ईमानदारी का पैसा लूंगा जी बिल्कुल, और लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मौत ना हो जाए बिल्कुल भी। चलो ठीक है, इनको बोला गया है आपको हम डेटा नहीं दिखा सकते, आप RTI से मांग लो, हम RTI में दे देंगे। अब RTI लगाएंगे तो 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, हालांकि इनके पास और रास्ता है, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जिस तरह से कार्रवाई हुई है बगैर इनको फाइनल नोटिस दिए हुए, तो उसके बाद हो सकता है इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इनके भी काम करने का एक तरीका है, क्योंकि फरीदाबाद में हज़ारों कॉलोनीज़ हैं और हज़ारों फ्लैट हैं,
जो इस तरह से बने हुए हैं, बिल्कुल अगर इनको इस तरह से कार्रवाई करनी होगी तो सबके खिलाफ ही कार्रवाई करनी होगी। अभी इनका कहना है चुन चुन के तोड़े गए, वहाँ पे 10-12 लोगों के मकान बने हुए हैं और शो कॉज नोटिस सबको दिया हुआ था, लेकिन इनका ही मकान तोड़ा गया, इनको इस बात का ज़्यादा दुख है। तो ट्रांसपेरेंसी से कार्रवाई नहीं हुई, इसी वजह से ये यहाँ पे आए हैं, भाई ऑर्डर की कॉपी दिखा दो, लेकिन ऑर्डर की कॉपी दिखा नहीं पाए हैं। ये कहा है कि आरटीआई लगाओ, हम आरटीआई से आपको रिप्लाई दे देंगे। तो आरटीआई भी लगाओगे भाई साहब? बिल्कुल, हम कल ही कार्रवाई करेंगे, हम कल आरटीआई लगाएंगे जी 100%, और जो भी और हम अच्छा सा वकील करेंगे, जो जो हमें गाइडेंस मिलेगी, अगर हमारे पास इतनी गाइडेंस होती तो हम पहले ही कार्रवाई कर पाते, लेकिन हमारे पास गाइडेंस नहीं थी, हम आरटीआई भी लगाएंगे, वकील करेंगे, अच्छा जहाँ तक हमें जान जाएगा वहाँ तक हम जाएंगे। सबसे बड़े दुख की बात ये है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जिस किला में रहता हूँ, शहर से जहाँ से तिगाम स्टार्ट होता है, मैं 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, और जहाँ से तिगाम स्टार्ट होता है कम से कम 150 कॉलोनियां अवैध बड़ी बसी हैं, लेकिन सिर्फ मेरे किला में आई और 12 लोगों को नोटिस देके केवल मेरे मकान को तोड़ा गया। दुख इस बात का है कि मुझसे कौन सी रंजिश करी, या तो मुझे प्रशासन बता दे किसका दबाव था, इन पे दबाव था जरूर, जब इन पे डॉक्यूमेंट नहीं है ये। सर बहुत सारे लोग अपने खेतों में बगैर अप्रूवल के बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं, उनका क्यों नहीं तोड़ा जाता? भाई साहब वो साहूकार लोग हैं, उनकी जय के जुगाड़ है, ऊपर तक हमारे जुगाड़ नहीं है, अगर हमारे जुगाड़ होते तो ये मेरे साथ नहीं होता जी। जिनका जुगाड़ नहीं होता उनका तोड़ दिया जाता है। तो इस तरफ फरीदाबाद में कार्रवाई डीटीपी कर रहा है और इस वजह से जनता दुखी होती है, और जो इनके अंदर निराशा पैदा होती है वो सरकार के प्रति पैदा होती है। अफसर तो काम कर जाते हैं गलत, लेकिन सरकार को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है चुनाव में, जैसा कि आपने अभी एमसीडी में देखा, हिमाचल में देखा, और चुनाव में आप देखते ही रहते हैं। तो अगर अफसर इस तरह से भेदभाव वाली चुन चुन के कार्रवाई करेंगे तो जनता में निराशा फैलेगी, अगर अफसर लीगली कार्रवाई करेंगे, सरकारी आदेश से कार्रवाई करेंगे, तो जनता में निराशा नहीं फैलती। अभी भाई साहब दुखी हैं क्योंकि ये सरकार के समर्थक भी हैं, सरकार के समर्थक होने के बावजूद भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, इनका नुकसान हो गया। एक इतनी बड़ी दुख की बात सामने आई, मैं इस ऑफिस में सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मैं मेरे साथ मेरे समाज के लोग खड़े हैं सारे, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पे हम बैठे हैं, मन कि यार ये हो क्या रहा हमारे साथ, हमें न्याय मिल जाए। 4:30 बजे तो जय साहब आए हैं, जय साहब आने के बाद हमने जय साहब से पूछा, मन कि जय साहब वो चिस्पा वाला हमें बता दो कि आपने जो नोटिस दिया है, बोल रहे हैं कि पहले तो ये बोला कि हाँ आपके पास मैंने भी नोटिस चिस्पा किया, मैं अभी दिखा देता हूँ, जब वो नहीं मिला फिर बोलते हैं कि वो तो मैंने लड़के भेजे थे, मैं कि लड़के खींच के आएंगे मुझे वो दिखा दीजिए, बाद में बोलता नहीं वो तो मैंने डाक के थ्रू भेजा है, मैं डाक के थ्रू भेजा तो मुझे स्पीड पोस्ट की कॉपी दिखा दी है, रजिस्ट्री की दिखाओ किसके थ्रू भेजा, नहीं नहीं मैंने तो सिंपल डाक से भेज दिया, मन कि आप किसी की बिल्डिंग को तोड़ने जा रहे हो क्या सिंपल डाक से, 30 दिन के अंदर सॉरी कार्रवाई सिंपल डाक से कर दोगे आप? भाई मुझे जब आप चिस्पा करके आए हो सोकोस नोटिस को, इसको भी तो भेजा होगा, किसी की ड्यूटी तो होगी, ऐसी कौन सी आपत आ गई उस बिल्डिंग के अंदर जो एकदम से तोड़नी थी, कौन सा परिसर था, किस राजनीतिक दबाव का परिसर था, प्रशासनिक दबाव का परिसर था, मुझे ये तो पता चले कि जो इन्होंने एकदम काम कर दिया। मैं समझ गया, देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं, आरटीआई और कोर्ट, और आप दोनों का कौन सा इस्तेमाल करोगे ये तो आप ही जानो। कार्रवाई तो इनके खिलाफ भी होती है, कई बार हो चुकी है, और कई बार ये हरजाना भी देते हैं, जुर्माना भी देते हैं, जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई भी करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। तिगांव में कहां पर मकान था, एग्जैक्ट एड्रेस बताइए। तिगांव पे मेरा भैंसरावली रोड कन्नड़ मंदिर के सामने धनराज कॉलोनी के अंदर मेरा मकान है, और 2008 से ये कॉलोनी कटी हुई है, 14 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उससे पहले हम शहर में रहते, तिगांव में ही मैन अड्डे में रहते थे, अब गाँव में खेत है वहाँ पे अपने बना लिए मकान, ऐसे थोड़ा पता था कि ऐसा नाश हो जाएगा हमारा। चलो स्थानीय आदमी है फिर भी इनका तोड़फोड़ हो गया है। वैसे कई बार बाहर से लोग खरीद लेते हैं बगैर जांच के, बगैर अप्रूवल के, और वो कॉलोनी टाइप का बना लेते हैं तो उनका तोड़फोड़ हो जाता है, लेकिन ये अपना घर बना रहे थे और कोई रेंट वगैरह पे तो आप दे नहीं रहे थे, ऐसे कुछ नहीं, रेंट नहीं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, अभी भाई साहब बड़े दुखी हैं। आगे देखते हैं ये क्या स्टेप उठाते हैं और ये क्या रिप्लाई देते हैं, अगर आरटीआई में देना है या कोर्ट में देना है तो क्या जवाब देते हैं, उसका इंतज़ार रहेगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।